बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कल शाम चोट लगती है, जिस पर अब मिस्ट्री क्रिएट होती दिख रही है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लगी चोट को लेकर बीजेपी ने बड़ी मांग कर दी है। बीजेपी ने चोट के मामले की जांच की मांग कर दी है। बीजेपी के दिलीप घोष ने कहा है कि ये सब कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसे लेकर जांच होनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कल आपको बता दें कि देर शाम ममता बनर्जी को लेकर यह खबर आई कि किस तरीके से उनके चोट लग गई, उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, स्टिचेस उनको आते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये सब कुछ इस तरीके से नहीं लग रहा है कि बस चोट लग गई, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, इतनी बड़ी चोट कैसे लग गई, ये सब कुछ इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि कल तक तो वो ठीक थी लेकिन अचानक से इस तरीके से उनके चोट लगना, और छोटी मोटी चोट नहीं है, ये मेजर चोट है, खुद टीएमसी ने कहा। চোটের কি ব্যাপার প্রশ্ন অনেক আছে, ঠিক আছে, কিন্তু অসুস্থ হয়েছেন, চোট লেগেছে, তাড়াতাড়ি সেরে উঠেন, এটা আমরা চাইব। এখন বহু লোক বহু প্রশ্ন করছেন, প্রথম হচ্ছে ওনার সুস্থতা, তারপরে এটা নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত যে কী করে ঘরের মধ্যে চোট পেলেন, কেন এগুলো হয়নি, অনেক প্রশ্ন থাকে সব ঘটনার। आशिका, बीजेपी की अपनी मांग है, कल डॉक्टर ने भी साफ तौर पर कहा था ये चोट मेजर है, और वो जो ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं लग रहा कि गिर गई, ऐसा लगा कि किसी ने पुश किया है, क्या निकल कर सामने आ रहा है, टीएमसी का रुख क्या है, बीजेपी का रुख क्या है? देखिए, सबसे पहले तो सपना यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दूं, बिल्कुल कालीघाट पे हूँ, ममता बनर्जी का जो घर है ठीक इसी गली में है। आपको इसके साथ ही बता दूं कि कल जब मेडिकल बुलेटिन बता रहे थे डॉक्टर, तब ये कह दिया था कि शी फेल्ट पुश फ्रॉम बिहाइंड, लेकिन बाद में उसको लेकर के कई बार क्लैरिफाई कर चुके हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी ने फिजिकली धक्का दिया, बल्कि उनको ऐसा झटका लगा, कहीं से धक्का लगा, तो ऐसा नहीं है संभवतः कि उनको फिजिकली कोई धक्का लगा। पुलिस की बात करें, पुलिस सूत्र भी ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई शिकायत उन्हें नहीं मिली है, और क्योंकि शिकायत नहीं तो एफआईआर नहीं, इसीलिए इस मामले में फिलहाल इस एंगल से कोई जाँच नहीं हो रही है। लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी से लेकर के सपना ज़रूर खड़ी हो चुकी है, क्योंकि ये बड़ा बयान, पहला मेडिकल बुलेटिन जब ये डॉक्टर देते हैं तब ये कहते हैं कि शी फेल्ट अ पुश फ्रॉम बिहाइंड। तो ये तस्वीरें फिलहाल कालीघाट से, ममता बनर्जी का घर यहीं पर है। यही चीज है आशिका जो आप कह रहे हैं ना, कि ये जो बयान बदला, आखिर क्यों बदला, लौटेंगे आपके पास में, बने रहिए हमारे साथ में। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की चोट की वजह से लेकर बड़ा सस्पेंस घेरा गया है, और इसके सस्पेंस के पीछे की वजह है कोलकाता के एसएसकेएम का मेडिकल बुलेटिन, जो ममता की सेहत को लेकर कल रात दिया गया था, लेकिन इसके 3 घंटे के भीतर ही अस्पताल की ओर से अपने मेडिकल बुलेटिन को लेकर सफाई तक दे दी गई, जिसका जिक्र आशिका भी कर रही थी कि ये जो शक गहरा रहा है, ये जो कंट्रोवर्सी बन रही है, उसके लिए कोई एक शख्स नहीं तैयारी कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विपक्ष की है तो वो कह रही है, बल्कि जो एसएसकेएम का मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसको लेकर ये सब कुछ है। आशिका का फिर से रुख करते हैं। आशिका, जो जानकारी आप साझा कर रही हैं वो तो करिए ही, और ये भी बताते चलिए कि ममता बनर्जी की फिलहाल सेहत कैसी है, क्या वो ठीक है? देखिए, फिलहाल बिल्कुल स्टेबल है, जैसे कि तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही थी, जैसे लगभग रोज यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं वैसे ही आज भी हैं। हो सकता है कि कोलकाता पुलिस के जो पुलिस कमिश्नर हैं सीपी, वो खुद यहाँ पर 12 बजे के करीब आए, मुख्यमंत्री से एक बार मुलाकात करें। तस्वीरें ये मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ ही साथ आपको बताती हूँ कि अब बिल्कुल ठीक है। हालाँकि काफ़ी खून बह गया ये कहा जा रहा था जो परिवारजन है उनकी तरफ से, कल उन्होंने लगभग दिन भर कुछ नहीं खाया, उसके बाद रात को बिस्किट और दूध सिर्फ ये खाया, दवाई लेनी थी इसके वजह से, और उसके बाद सर पर जो टाके लगे हैं वहाँ फिलहाल दर्द है, बेड रिडन रहेंगी करीब एक हफ्ते तक। आज भी डॉक्टरों की टीम आएगी, परीक्षण करेगी, निरीक्षण करेगी, कल भी सीटी स्कैन, एमआरआई सब कुछ किया गया, आज भी ज़रूरत होगी तो और भी टेस्ट किए जाएंगे सपना। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका जानकारी के लिए। ममता बनर्जी को पीछे से धक्का देने की थ्योरी क्या थी, वो सबसे पहले एसएसकेएम की ओर से सामने आई, अस्पताल की ओर से जो कहा गया वो आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं। ग्राफिक्स आप देखिए, अस्पताल शुरुआत में दावा करता है कि ममता बनर्जी को पीछे से धक्का दिया गया, अस्पताल का दावा नंबर 1, एक बल के जैसे ममता को महसूस हुआ। अस्पताल का दूसरा दावा नंबर 4 है, पहले भी न्यूरोलॉजी इलाज हो चुका है। तो सस्पेंस तो यही है ना, कि पहले आपने कुछ कहा फिर आप ये कह देते हैं किसी व्यक्ति ने धक्का नहीं दिया, ये आपको कैसे पता, अगर पुश हुई है तो कोई धक्का भी दे सकता है, ये भी बात हो सकती है। एक बल के जैसा ममता को महसूस हुआ, पहले भी न्यूरोलॉजिकल इलाज उनका हो चुका है, तो ये जो पहले बयान दिया गया था वो सही या बाद में जो दिया गया वो सही, या फिर पहले वाले बयान को किसी के कहने में आकर बदला गया है? क्योंकि जिनके साथ ये हुआ है
वो कोई आम शख्स या कोई आम नेता नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और ये तस्वीर भी आप देखिए, इसको भी देख के लग रहा है कि ये छोटी मोटी चोट नहीं है, ये एक मेजर चोट है, स्टिचेस लगे हैं। ममता बनर्जी को पहले कहा गया कि वो अस्पताल में रहे, लेकिन उन्होंने ही कहा कि वो घर जाना चाहती हैं, फिलहाल तबीयत ठीक है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है, इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से हमें फोटो मिला है, तो हम उनकी बहुत जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और स्पीडी रिकवरी होना हो उनको, ईश्वर के पास हम वही प्रार्थना करते हैं। उनको जल्द से जल्द इससे स्वस्थ होके फिर से स्वाभाविक जीवन में लौटे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। चोट बहुत गहरी है, हमने देखा है, जो फोटो देखा है, काफ़ी इट इज़ डिस्टर्बिंग, इट्स अ वेरी डीप वुंड। उनको सर में कोई चोट ना लगे, और जब वो गिरी थी, क्या कोई सर घूम गया था या कोई ब्लैकआउट हुआ था, उसके कारण तो नहीं हुआ था, ये एक बात थी। लेकिन वो लग रहा है कि रिपोर्ट जो है वो अच्छा आया है, ऐसा लग रहा है। तो हम जब बहुत नहीं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं भी सब चारों तरफ से देख रहा हूँ, अब वो बोल भी नहीं सकते। अब ये हम चाहेंगे, सब लोग मिलकर ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर जाए, फाइटर है बहुत जल्दी। ये भी एक संयोग है कि ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव के दौरान भी चोट लगी थी और अब लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्हें चोट आई। 10 मार्च 2021 को ममता नंदीग्राम में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने गई थी कि इस दौरान वो घायल हो गई। ममता के पैर में चोट लग गई थी, आपको याद होगा, ये तस्वीर देख लीजिए, विधानसभा चुनाव के दौरान की, 10 मार्च 2021 की। और उसके बाद उन्हें कोलकाता के SSKM हॉस्पिटल, जिसमें इस बार गई थी, उसी हॉस्पिटल में वो जाती 3 दिन तक एडमिट रही थी, डॉक्टरों ने उनके पैर में प्लास्टर चढ़ाया था। इसके बाद ममता ने व्हील चेयर पर बैठकर पूरे विधानसभा चुनाव का प्रचार किया था। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तारीखें अलग अलग हैं, साल अलग अलग हैं, लेकिन चुनावी माहौल है दोनों में। पहला 10 मार्च 2021, जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव था, असेंबली का चुनाव होना था, तब भी चोट आई। और दूसरी तस्वीर आपकी 14 मार्च की, यानी कि कल की, जब लोकसभा चुनाव के मुहाने पर देश खड़ा हुआ है। तो यह भी एक गजब सा संयोग है। महाराष्ट्र में भी खलबली मची है महाअघाड़ी में, क्योंकि सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनने के पहले बिगड़ता नजर आ रहा है। लोकसभा में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करने को लेकर आज शाम महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक होने वाली है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग और वंचित बहुजन अघाड़ी को शामिल करने पर चर्चा हो सकती है। हालांकि इस बैठक में शामिल होने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अम्बेडकर को नहीं बुलाया गया है। संजय राउत ने बताया कि प्रकाश अम्बेडकर को 4 सीटों का प्रस्ताव दिया गया, अब उनसे अलग से बात की जाएगी। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पा रहा है, सिर्फ एक शरद पवार हैं जो गंभीर होते नजर आ रहे हैं, और यह खुद प्रकाश अंबेडकर की ओर से कहा गया। लेकिन अब प्रकाश अंबेडकर ही इस मीटिंग में नहीं शामिल हो रहे हैं और उनको नहीं बुलाया गया है। ये जो मीटिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं, महाविकास अघाड़ी की बैठक हो रही है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस पर संजय राउत ये कहते हैं कि उन्हें अलग से बुलाया जाएगा, 4 सीटों का उनको प्रस्ताव दिया गया है। प्रकाश अंबेडकर जी हमारे महाविकास अघाड़ी के सदस्य हैं। पहले वाले मीटिंग में प्रकाश जी आए थे, आज जो हम बैठे हैं वो कांग्रेस NCP में थोड़ी बहुत जो बातें चल रही है उसके ऊपर चर्चा होगी। हमने वंचित बहुजन अघाड़ी को एक प्रस्ताव दिया है 4 जगह का, अब उनको विचार करना है उसके ऊपर।